छोड़ चली हूँ बाबलायो देश प्यारांगो, सड़ गयो दिल मेरो लगियो तेरे अंगारांगो, बाबला में न परता रहनो है, सास सारा गाता ना बोली जरता रहनो है। सुभान अल्लाह तेरी कुदरत की आसमान बनाया, कितना लंबा कितना ऊंचा होई बाज थमा ठहरा। हो बलियां बलियां नी मैं तेरा कर छड़ के नवा कर में बसामन चलियां निहलियां, ओ मावा तियां मिलन लगियां चारे कंदा ने चुबारे दियां हलियां। और ये जात पात जो हो रहे हैं ना, जात पात को दूर रखो, जात पात में कुछ नहीं रखा, एक दूसरे का साथ दो पूरा मिलकर। बिल्कुल बिल्कुल दोस्तों, ये गुज्जर कम्युनिटी से, मैं राजपूत कम्युनिटी से हूं, लेकिन जो जितना हमारा और इनका प्यार है, क्योंकि ये देशभक्त, हम भी देशभक्त, और कभी भी हम किसी की जात पात के लिए रोते तो ना तो ये मेरे पास आता ना मैं इनके पास जाता। लेकिन मेरी सिर्फ अंतिम में एक ही बात कहूंगा कि जाति सिर्फ दो ही है, स्त्री और पुरुष, और धर्म सिर्फ एक ही है, वो इंसानियत का, बाकी सब धंधा और फगंड है। और चैनल डिस्ट्रिक्ट रियासी के अंदर फ्री ऑफ कास्ट, किसी से कोई भी एड नहीं ले रहे हैं, किसी से कोई, ना तो फेसबुक से आ रही, ना तो हमारे को यूट्यूब से आ रही, ना तो कोई लोग ऐसा कोई जैसे बर्थडे वगैरह वगैरह, हमने एक अपील किया था कि बर्थडे का छोटा छोटा कोई हम लोगों को थोड़ा बहुत ऐड के लिए हेल्प कर, लेकिन कोई नहीं करता सर आजकल, वही बात आ गई, गरीब का कोई नहीं है, जैसे आपका मतलब ऐसी पारी इस पर गरीब है तो गरीबों की आवाज कोई नहीं है सर, हमारा ऊपर वाला है ना, ऊपर वाला है बस, उस पर यकीन करके चलना है, बंदे पे यकीन नहीं करना। बोला हमें डोगरी, आप डोगरी तो बोलते हैं, डोगरी जनाब बिल्कुल की नहीं बोलते। बोला राज होता जिगर दे रब, नहीं होता राज जिन्ना मर्जी दे बब। ठीक है, ये मैं बता देता हूँ। तो उस किस्म के आप किस बेस पे मेरे साथ दुनिया जुड़ी है ये मुझे नहीं है पता, बस मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। जनाब मीडिया वाले जानते हैं कि आपके अंदर जो आवाज है आपकी, मैं बोलता हूँ, मैं नहीं कहता हूँ, जो आवाज आप गाना गाते हो आप जबरदस्त है, नो डाउट इसी कुछ है, और दूसरे अंदर आपके अंदर देशभक्ति है, और तीसरा जो आपके अंदर कोई जाति पात नहीं है, मेरे पास कोई जात पात नहीं है, ये सबसे बड़ी अच्छी, और वो ही मेरे अगर आप फ्रेंड बने हैं, दोस्त बने हैं मेरे, अगर इस चैनल के ये एडमिन भी है, और चैनल फुल इनके हैंड ओवर में रहता है, और फुल ही ये, मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा, ये फुल हैंडल यही करते हैं, मैं तो सिर्फ इनका एक ताबेदार हूं कि यहां मेरे को इतना प्यार करते और इतना हम लोगों आए, लेकिन फिर भी मैं यही कहना चाहूंगा कि प्लीज आप इनको, इनका जो प्यार है ना, वो शायद मैं चाहता हूं कि सभी इन्हीं से कोई सीखे, और मैंने आज सीखा सबसे बड़ा कि इनके अंदर जो देशभक्ति की भावना है, और जो इनके अंदर सबसे बड़ी जो और बात है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि इनके अंदर जाति पात नहीं है, ये सब, अगर मैं राजपूत हूं तो अगर ये गुजर भाई हैं तो इनको ये नहीं समझता कि, ये समझता है कि हम दोनों एक ही पार्ट है, एक ही पार्ट है, एक ही पार्ट, ये भावना लेकर के हमने देश को आगे चलाना है, क्योंकि नहीं तो हम लोग लुट जाएंगे, कुछ बनेगा नहीं। हूं या चाहता हूं तो उनको जरूर मैं ऐड करता हूं, मेरे बहुत सारे दोस्तों ने मतलब मेरी गंदी गंदी वीडियोस बनाई, मैंने बोला कोई बात नहीं, आप लोगों से बड़ा ना एक वो है, शेर बता देता हूं कौन बड़ा है, कि वा सुभान अल्लाह तेरी कुदरत की आसमान बनाया, कितना लंबा कितना ऊंचा होई बाज थमा ठहराया, कितना लंबा कितना ऊंचा होई बाज थमा ठहराया। तो मैं सबको कहता हूं आप लोगों से बड़ा भी कोई है यार, जितनी मर्जी वीडियो बना लो कोई बात नहीं, मुख्तार मस्ताना अगर गलत हुआ तो इंशाल्लाह मेरा अल्लाह ही मुझे सजा देगा ना, आप लोग जितनी मर्जी सजा दो वो नहीं, जो मेरे अल्लाह की तरफ से हुक्म होगा, अभी पहला शेर मैंने ये बताया था कि हुक्म तेरे बिन कुछ नहीं हिलता, जो चाहे तू सो होंदा।
तो वो बात है। अब आगे सर कोई जो चॉइस हमारा जो कैमरामैन अगर कुछ चाहता है तो बता सकते हैं कैमरामैन आप क्या बता सकते क्या कोई सुहाग 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 को आप प्रेफर करते हो, कोई सुहाग हो जाए जनाब सुहाग हो जाए, अगर कैमरामैन थोड़ा सा कोई बात नहीं रुला के भेजना अच्छी बात है, रुला के भेजना है कैमरामैन को हमारे कोई बात नहीं। पिछली बार भी कैमरा पिछली बार भी रोने लगा था और कैमरा ही गिरने लगा था, कैमरा गिरने लगा था और फिर बड़ी मुश्किल से आपने स्पोर्ट पे ही सुना लेता हूँ। ये बहुत पुराना हमारा फोक सॉन्ग है, बलियां नी मैं तेरा कर छड़ के नवा कर मैं बसावन चलियां, नी मैं तेरा कर छड़ के नवा कर मैं बसावन चलियां, मधानियां आयो मेरे आडा डियारा बाके ना जमिया कि ना ले जानिया है, आयो मेरे आडा डियारा बाके ना जमिया कि ना ले जानिया है, हो तीरे तीरे ओ दुनिया पावे लख बस दी होंदे पैना ले लाड ले वीरे, ओ दुनिया पावे लख बस दी होंदे पैना ले लाड ले वीरे, ओ जा पे ओ दुनिया पावे लख बस दी होंदे तिया ले सहारे मापे, ओ ती दुनिया पावे लख बस दी होंदे तिया ले सहारे मापे, ओ कलियां कलियां ओ मावां तियां मिलन लगियां चारे कंदां ने चुबारे दियां हलियां, ओ मावां तियां मिलन लगियां चारे कंदां ने चुबारे दियां हलियां। तो जब बेटी ससुराल चली जाती है ना तो कभी कभी मां चली जाती है बेटी का पता लेने, तो तब पे क्या आया है शेर, बेटी क्या पूछती है राहियों से, हो चांदी चांदी हो किसे मेरी मां देखी बन गठड़ी तियां वाले आंदी, हो किसे मेरी मां देखी बन गठड़ी तियां वाले आंदी, ओ बैनी बैनी ओ सतावे परामा वालिये तेरी खबर किसे नहीं ओ लेनी, ओ सतावे परामा वालिये तेरी खबर किसे नहीं ओ लेनी। तो हम कहते हैं ना कि बेटी को दूर शादी करेंगे तो ऐसा होगा, नजदीक करेंगे तो ऐसा होगा, लेकिन शायर ने जो शेर लिखे थे ना जी सर, आखिरकार सक्सेस हो ही गए, कैमरामैन का आंसू टपक ही गए सर, लेकिन दो शेर और बताऊंगा लास्ट में। बेटी क्या कहती है, हो टांडा टांडा ओए दूर भी ना दे बाबला जिते उड़ेया काग नहीं जांदा, ओ दूर भी ना दे बाबला जिते उड़े या काग नहीं जांदा, ओ नेड़े नेड़े ओए कॉल भी ना दे बाबला कंद टपके सटप तेरे बेड़े, ओ कॉल भी ना दे बाबला कंद टपके सटप तेरे बेड़े हो। वाह वाह सर बहुत बढ़िया, काफी लंबा है लेकिन चलिए थोड़ी, जैसे शादी का तो सीजन लगातार चल रहा है क्योंकि मुझे तो डेली के 3 इनवाइटे आती है लेकिन जा नहीं पाता, दूर दूर की हो जाती है, कोई उधमपुर की है कोई कठुआ सांबा की, तो बीच में
जिसके घर का दाना लिखा हो तो वहां पहुंच जाता हूँ। लेकिन दाना खाने के बाद ना उनकी फरमाइश होती है कि मुख्तार भाई एक शान सुना जाए। तो अभी पिछले दिनों में मैं एक जगह गया था, तो कहने लगे बेटी की शादी है तो एक एक गोजरी सांग है। गोजरी सांग। तो जब मैं सांग सुनाने लगा तो मैं इसलिए किसी के घर प्रोग्राम नहीं करता क्योंकि पता नहीं क्या बात है, मेरे सांग जो भी है ना वो सुनने के बाद ना आंसू आ जाते हैं, क्योंकि मैंने अपने घर में ही आजमा के देखा हुआ है। जब मेरे जैसे सिस्टर्स की शादियां थी तो मैं जब गाना गाता था तो और पूरी महफिल रोना शुरू हो जाती थी। मैं इसीलिए तकरीबन किसी के घर नहीं प्रोग्राम नहीं करना यार, नहीं। नहीं सर, आप उस चीज को ना सोचें। वो सोचो कि वो जो आपके गाने से मंत्र मोहित होकर के वो उसी दुनिया में चलेगी जहां प्रॉब्लम होती है सर। तो अभी जब मैं इसमें गाना गाने लगा तो मैं देख रहा कि वो महफिल ऐसे कसम से गुम हो गई कि सांस भी दुनिया ले रही है तो उसकी भी आवाज नहीं आ रही। मतलब तो जब मैंने गाना गाया, छोड़ चली हूं बाबलायो देश प्यारांगो, सड़ गयो दिल मेरो लगियो टेरे अंगारांगो, छोड़ चलियो बाबलायो देश प्यारांगो, सड़ गयो दिल मेरो लगियो टेरे अंगारांगो, ओ सड़ गया दिल मेरो लगे ओ तेरे अंगारांगो, छमरांगो पानी बाबला में न परता रहनो है, वाह सासु सारा गाता ना बोली जरता रहनो है, छमरांगो पानी बाबला में न परता रहनो है, सासु सारा गाता ना बोली जरता रहनो है, छोड़ चलियो बाबलायो देश प्यारांगो, सड़ गयो दिल मेरो लगयो तेरे अंगारांगो, ओ सड़ गयो दिल मेरो लगयो तेरे अंगारांगो। तो उनके वालदिन भी वहीं पर बैठे हुए, तो जब मैं ये लाइन गाई, बाबल तेरा मैला ना हुन कौन बिल्कुल सर, सजावेगो, बिल्कुल। बलती आग जिगरगी मेरी कौन बुझावेगो। तो सामने दो तीन जेंट्स के भी आंसू निकले कसम से जब मैंने खाली यही कहा था। और जब सामने वाले के निकल जाते हैं तो मेरा हलक ही रुक जाता है, मतलब मैं भी रुक गया यही शेर गा के। अभी तो चलो थोड़ा सहारा मिल रहा है, चल रहा है। बाबल तेरा मैला ना हुन कौन सजावेगो, बलती आग जगरगी मेरी कौन बुझावेगो, छोड़ चलियो बाबलायो देश प्यारांगो, सड़ गयो दिल मेरो लगियो टेरे अंगारांगो, ओ सड़ गयो दिल मेरो लगयो तेरे अंगारांगो। चलिए तो फिर इसके बाद थोड़ा सा कोई हौसला वगैरह मिला, आधा घंटा तक चाय पानी पिया, फिर मैं थोड़े इमोशनल सांग जब उन्होंने कहा था बेटी की विदाई पे, तो तब मैंने ये सुनाया था। फिर इसके बाद मैंने माइये मुइये या इधर मियाँ साहब का कलाम पढ़ना शुरू कर दिया। और कभी कभी मैंने मतलब कि आज तक ना प्रोग्राम तो काफी किए मैं दूर दराज, ऐसे नहीं कि मैं कहता हूं कि मैं फलानी जगह प्रोग्राम करने जा रहा हूँ, वो मैं कभी नहीं ऐसे गया कि किसी को बताऊंगा कि लोग मुझे देखने आए, मुझे वो बिल्कुल शौक नहीं। लेकिन माशाल्लाह दोस्त बहुत प्यार मोहब्बत देते हैं। मैं कहीं भी गया हूँ आज तक, मैं रजौरी गया, शाहदरा शरीफ गया, मतलब श्रीनगर घूमा जाके, जिधर जिधर भी, पहलगाम गया, सोनामर्ग, गुलमर्ग, तो यूजमर्ग। सर हमारे अभी चैनल के ऊपर शायद वीडियो शायद लंबी होती जा रही है, तो शायद दर्शक हमारे ना देखें इतनी। अब लगे अंतिम समय में आप क्या कहेंगे, दो शब्द को पहाड़ी एक्सप्रेस न्यूज के लिए कुछ कहेंगे सर? जी मैं जरूर कहूंगा। देखो दोस्तों, क्या अभी तक आपको हमारी इस चैनल की तरफ से क्या फीड मिल रहा है और क्या मिलेगा, या क्या देना चाहते हैं, या क्या कोई सजेशन वगैरह हमारे लिए कुछ? देखो दोस्तों, मैं सब दोस्तों से यही कहूंगा लास्ट में कि अगर आदमी एक कोशिश करके हर न्यूज आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा है तो कम से कम उसने बहुत सारी मेहनत की होती है। एक न्यूज बनाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अगर आप एक न्यूज बनाते हो तो दो जन आदमी चाहिए आपको, एक कैमरामैन चाहिए, एक आप चाहिए। मैं आपकी नहीं कहूंगा,
मैं सभी के लिए कहूंगा, तो कम से कम उसको अपनी मेहनत का फल मिलना चाहिए। अगर आपको न्यूज अच्छी लग रही है उसको शेयर करो, उसको सपोर्ट करो। और देखो आजकल तकरीबन ऐसा हो गया कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी बहुत सारे चैनल खुल गए हैं। मैं देख रहा हूँ माशाल्लाह हमारे रियासी अपडेट है, उनका चैनल भी काफी तेजी से गया, द रियासी अपडेट ऐसा कुछ है, दो तीन चैनल मैंने फॉलो कर रखे हैं। फॉलो करने से कभी किसी का नुकसान नहीं होता। आज मेरे देखोगे पता नहीं मैंने कितनों को फॉलो कर रखा है, क्या जा रहा है फॉलो करने से किसी यूट्यूबर इसके फेसबुक को फॉलो करने के सब्सक्राइब करने से क्या फर्क पड़ता है? कोई किसी का नुकसान नहीं होता, बस इतना है कि अगले को भी बनाने का शौक पड़ जाता, नहीं दुनिया देख रही है मुझे फॉलो कर रही है। तो इंशाल्लाह मैं आपको यही कहूंगा, शुरू में भी मैंने एक शेर कहा था कि मंजिल मिले या ना मिले ये मुकद्दर की बात है, हम कोशिश भी ना करें ये गलत बात है। कोशिश करते रहना है, मंजिल ऊपर वाला देता है। अगर मैं कहूंगा ना कि मुझे मैं खुद कामयाबी कर लूं, इतने पढ़ाइयां कर लूं, PhD कर लूं, कुछ नहीं होता जब तक मेरा मौला मेरा साथ नहीं देगा, या मेरे किसी वालदेन की दुआएं, मेरे बुजुर्गों की दुआएं, किसी पीर मुर्शिद की दुआएं, वलियों की दुआएं नहीं होंगी अपने साथ, तो हम चाहे हजारों कोशिश कर लें तो सब नाकामयाब हैं। तो मैं यही कहूंगा सब दोस्तों से कि दोस्तों एक दूसरे का साथ देना ही अभी चलाते रहो काम। आजकल बिछोड़े तो भाई भाई में भी पड़ते जा रहे हैं, वो सबको पता है भाई भाई का दुश्मन होता जा रहा है, लेकिन ये दुश्मनियां कितनी देर तक, अभी जैसे दो दो तीन चार मुल्कों में जंग लगी हुई है, उधर तो पता नहीं चल रहा है कौन भाई कौन जा रहा है, कौन कौन भाई मरा उधर, कौन पराया मरा, जब पूरी बिल्डिंग ढह रही है एक के अंदर 1000 मर रहे हैं, तब तो कोई भाई नहीं आ रहा। ये दोस्तों आपस में मिलके रहो सब, और ये जात पात जो हो रही है ना, जात पात को दूर रखो, जात पात में कुछ नहीं रखा, एक दूसरे का साथ दो पूरा मिलकर। बिल्कुल बिल्कुल, मैं दो शब्द आपको लगे जातपूत के बाद बात करूंगा जात पात के ऊपर। दोस्तों ये गुज्जर कम्युनिटी से, मैं राजपूत कम्युनिटी से हूं, लेकिन जो जितना हमारा और इनका प्यार है, क्यों ये देशभक्त हम भी देशभक्त, और कभी भी हम किसी की जात पात के लिए रोते तो ना तो ये मेरे पास आता ना मैं इनके पास जाता। लेकिन मेरी सिर्फ अंतिम में एक ही बात कहूंगा कि जाति सिर्फ दो ही है, स्त्री और पुरुष, और धर्म सिर्फ एक ही है वो इंसानियत का, बाकी सब धंधा और फगंड है। और इस धंधा और फगंड के लिए कहीं देखिए यूक्रेन के जगह नाम लिया कहीं पे जा रहा है ऊपर, वो सिर्फ इसीलिए वो वहां मारे जा रहे हैं। और इसीलिए हमारे देश के अंदर भी हम सभी लोगों से अपील करना चाहेंगे कि जाति पात से उठ करके अलग करके साइड करके अपना प्यार और मोहब्बत, और कभी भी मत सुनिए आप धर्म हो आप अपना अपना रखिए, कुछ जाति पात के ऊपर कभी भी किसी, और धर्म सिर्फ आप अपनाइए इंसानियत का। इंसानियत कोई मर रहा है कुछ मर रहा है उसमें मत देखिए ये मुस्लिम है हिंदू सिख ईसाई है, लेकिन सिर्फ हमने वहां जाकर इंसानियत दिखानी, तो ऊपर से अल्लाह ताला भगवान गॉड जो भी वाहेगुरु सब सब कुछ आपको दे देगा। सबसे बड़ी एक बात है, और लास्ट अंत में ये बता रहा हूँ कि सबसे जो इंसान झूठ फ्रॉड ये वो करता है, चैनल हमारा नहीं चैनल पहाड़ी लोगों का, हमने कभी भी पहाड़ी जितने भी हमारे जम्मू डिवीजन के ये सब उनका है। चलो हम छोटे सिटी शहरों में नहीं जाते हैं क्योंकि सिटी में बड़े बड़े पत्रकार रहते हैं, हम छोटा सा एक रिपोर्टर है, लेकिन हम उस छोटे से ही लोगों आप लोगों की आवाज फ्री अवकाश घर से खा के जाते हैं, घर आके खाते हैं उसकी आवाज नहीं। कोशिश करो सर आप लोगों को फाइनेंशियली और मैन पावर की, अब फाइनेंशियली मैन पावर जब तक जनता इसके ऊपर देखेगी नहीं, जब तक सब्सक्राइब करके फॉलो नहीं करेगी चैनल को, तो हम क्या करें फिर बताओ दोस्त। इंशाल्लाह जरूर फॉलो करेंगे, आप होनी चाहिए ताकि आपकी न्यूज में मैन पावर जरूरत होती है सर, क्या करें उसकी मैन पावर की जरूरत। मैन पावर कोई भी फ्री, जितने भी हमारे जो लड़के लोग काम कर रहे हैं इस वक्त चैनल डिस्ट्रिक्ट रियासी के अंदर, फ्री ऑफ कॉस्ट, किसी से कोई भी एड नहीं ले रहे हैं, किसी से कोई ना तो फेसबुक से आ रही, ना तो हमारे को यूट्यूब से आ रही, ना तो कोई लोग ऐसा कोई जैसे बर्थडे वगैरह वगैरह, हमने एक अपील किया था कि बर्थडे का छोटा छोटा कोई हम लोगों को थोड़ा बहुत ऐड के लिए हेल्प कर, लेकिन कोई नहीं करता सर आजकल, वही बात आ गई गरीब का कोई नहीं है, जैसे आपका बोलो ऐसी पार्टी है इस पर गरीब है तो गरीबों की आवाज तो कोई नहीं है सर, हमारा ऊपर वाला है ना, ऊपर वाला है बस, उस पर यकीन करके चलना है, बंदे पे यकीन नहीं करना। बोला हमें डोगरी, आप डोगरी तो बोलते हैं, डोगरी जनाब बिल्कुल की नहीं बोल रहे। बोला राज होता जिगर दे रब, नहीं होता राज जिन्ना मर्जी दे बब। ठीक है, ये मैं बता देता हूँ। तो अगर ऊपर वाला दे देना कामयाबी है। चलिए तो मैं इसी सोच पे चला था, आज मुझे 8.5-9 करोड़ व्यूज मिला है, शुक्र है अल्लाह का, मैं बस शुक्रिया अदा करता हूँ अपने बुजुर्गों का, अपने पीरो मुर्शिद का, जिसकी पता नहीं किसकी दुआ है भाई, मैं इस काबिल नहीं था, लेकिन आज बच्चा जानता है कि मुख्तार मुस्ताना।
तो इनकी बाकी ये जो चैनल चूनल है ना, इनकी कोई एक वो नहीं होती नहीं। अगर मैं कहूंगा कि ज्यादा कमाई, भाई मुझे नहीं है पता, मेरे पास तो आई नहीं है कोई इतनी नहीं, मैं कहूंगा बाकी ये है कि थोड़ी देश के लिए काम कर दिया। फॉर एग्जाम्पल न्यूज रिपोर्टर भी देश के लिए काम करता है, अगर सिंगर है तो वो एक पब्लिसिटी बना लेता है अपने, यही है। और दुश्मन हर जगह खड़ा रहता है। अभी बहुत सारे दोस्तों के पेज में देखा, यहाँ एक 9,90,000 पेज था जिसका ब्लॉक हो गया, फिर 4,00,000 था वो फिर ब्लॉक हो गया, फिर 3,00,000 था फिर ब्लॉक हो गया, लेकिन देखो उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, आज उनका फिर 1,00,000 हो गया, मतलब दोबारा फॉलोअर्स हो गए। इसलिए मैं कहता हूं चढ़ते जाना है, पौड़ी उतरना नहीं, चढ़ते जाना है, पहाड़ के ऊपर ही चले जाना, इंशाल्लाह और नजदीक मिल जाए। चलिए जनाब, शुक्रिया शुक्रिया। इसको हम अभी देंगे इस वीडियो को यहीं विराम, और नेक्स्ट वीडियो के लिए फिर कभी हमारे देशभक्त और बहुत प्यारे सिंगर मुख्तार मुस्ताना जी कभी फिर दोबारा आएंगे श्रीनगर से या जम्मू की ओर, क्योंकि ये अभी ऑलमोस्ट आउटसाइड में रहते हैं देशभक्ति के लिए। और अभी मैं दिल तो नहीं करता है कि इनकी बाजू को और इनकी गाने को और छोड़ा जाए, लेकिन क्या करें, मुसीबत है। फिर दूसरे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तीन बार तो वीडियो, चौथी वीडियो, हम ऐसे तो हमने वीडियो तो एक ही दिन बनाया था, लेकिन आज भी ये लंबी वीडियो है। तो चलिए, मुझे उम्मीद है कि सारे दर्शक देखेंगे, और तब तक के लिए हमें दोनों कैमरामैन के साथ दे इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद, अस्सलाम वालेकुम।